जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य अमित तिवारी हाथों की लकीरों से जानकारी दूंगा कि किस तरह के निशान आपकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। हाथों में कई तरीके की लकीरें, निशान, आकृति और उभार बने हुए होते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष में हथेली पर बने निशानों की मदद से हम किसी के भी भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हस्त ज्योतिष के अनुसार हाथ की लकीरें यह बता देती हैं कि आप किस क्षेत्रों में अधिक सफल हो सकते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ खास तरह की ऐसी रेखाएं हैं तो आप भी हैं बहुत किस्मत वाले। हथेली में अगर गुरु पर्वत का स्थान उभरा हुआ है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, राजनीति, सरकारी क्षेत्र में बड़े अधिकारी, शिक्षक एवं ज्योतिष के क्षेत्र में करियर बनाएं तो आपको जल्दी और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हथेली में यदि शनि पर्वत अधिक उभरा है तो आपका शनि प्रभावशाली है। आप जीवन में सफल तो होंगे लेकिन अधिक परिश्रम करना होगा। करियर के मामले में आपके लिए इंजीनियरिंग, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, फूलों का कारोबार अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट के बिजनेस में भी कामयाब होते हैं। जिन हथेलियों में सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है वह इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग, डेकोरेशन, सरकारी नौकरी एवं सरकारी क्षेत्रों से जुड़े ठेके का काम करें तो बड़ी कामयाबी मिलती है। जिन लोगों की दोनों हथेलियों में बुध पर्वत का स्थान अधिक उभरा होता है उनके व्यवसाय में सफल होने की संभावना अधिक रहती है। इस पर्वत के अच्छी स्थिति में होने से बैंकिंग, वाणिज्य, लेखन, पत्रकारिता, वकालत, विज्ञान एवं दवाइयों के कारोबार में करियर बना सकते हैं। अगर किसी की हथेली पर शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री के करियर बना सकते हैं। हथेली में अगर चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति संगीत, कला, लेखन, पत्रकारिता, रंगमंच, साहित्य एवं टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। इन्हें सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलता है। अंगूठे के नीचे वाला भाग जो निम्न मंगल कहलाता है और दूसरा स्थान जो उच्च मंगल कहलाता है, इन स्थानों के उभार और यहां मौजूद रेखाओं से पता चलता है कि आप सेना, पुलिस, सुरक्षा एजेंसी, खेल, जमीन से जुड़ा कारोबार एवं खनन के क्षेत्र में जल्दी सफल हो सकते हैं। रेखाएं छोटी उंगली तक अगर जाती हैं, यानी अंतिम सिरे से चलकर छोटी उंगली तक पहुंचती हैं, तो आप व्यापार जगत में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप बैंकिंग और वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। रेखाएं यदि शनि पर्वत तक जाएं तो मणिबंध से निकलकर सीधी रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि व्यक्ति नौकरी में सफल होगा। ऐसा व्यक्ति नौकरी से खूब धन कमाते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद। मैं आचार्य अमित तिवारी, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।